का कर रहे हो भाई, घुसाए जा रहे हो। हेलो भाई, स्वागत है जी आप लोगों का आज की इस नए वीडियो में। तो भाई आज इस वीडियो में मैं देखो कहां पर बैठा हुआ हूं, बड़े से ट्रक के अंदर। ऐसे तो आपने कार के अंदर हमेशा देखा ही है, बट आज बैठ गए भाई ट्रक के अंदर, क्योंकि मैं रोड के किनारे खड़ा था। मुझे जाना था यहाँ अपने बिहटा से पटना, तो रास्ते में ऑटो ये सब मिल नहीं रहा था। ये भाई हैं अपने, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भाई, क्या नाम हुआ आपका? भाई मेरा नाम अरमान है। अरमान नाम हुआ, ठीक है। अपना नाम आसिफ सुभानी हुआ भाई। अच्छा भाई, आसिफ नाम हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? भाई मेरा घर यूपी है। यूपी से आप कहाँ जा रहे हैं? यूपी से हम आए थे पटना, आए थे फ्लिपकार्ट लेके। कौन सा कार्ड? फ्लिपकार्ट। अच्छा, फ्लिपकार्ट का सामान लेकर? फ्लिपकार्ट का सामान ले जाए। अच्छा, तो सामान जा रहे हैं पहुंचाने के लिए? नहीं, सामान पहुंचा के अब जा रहे हैं यहाँ अपना ये पटना। नहीं तो जैसे फ्लिपकार्ट का सामान कहाँ से लेकर के आप? फ्लिपकार्ट से हम लखनऊ से लेके आए थे। उतारे कहाँ? ये आपके यहाँ पे बिहटा। बिहटा? वो बिहटा में ना भाई, ना आप पटना बोल रहे हैं कि पटना में उतारे थे हमको लगा। तो फिर इधर से आपको दूसरा भाड़ा मिल रहा है? इधर से दूसरा भाड़ा, हाजीपुर से। हाँ भाई। अच्छा, तो भाई से कुछ कुछ चीज भी जानेंगे, कैसे भाड़ा वाड़ा मिलता है, क्योंकि बैठे बैठे इनको अब हाजीपुर से भाई भाड़ा मिल गया। तो यही अरमान भाई के साथ आज अपना सफर होगा 0 माइल तक, क्योंकि 0 माइल के बाद ये जो है हाजीपुर चले जाएंगे। तो यही इनको पूछना था कि हाजीपुर है कहाँ, तो हम बोले चलिए भाई आधा रास्ते तक तो हम ही चले जाएंगे, क्योंकि हम जाएंगे बाढ़ और ये चले जाएंगे अपना हाजीपुर। तो आपका घर यूपी में ही है क्या? हाँ भाई, यूपी में। यूपी में? यूपी में कहाँ से हुआ आप? यूपी में अमेठी। अमेठी से? अच्छा, जिला राहुल गांधी का जिला। अच्छा, और हाजीपुर से फिर कहाँ जाइएगा? हाजीपुर से देखिए सुल्तानपुर का रोड निकलता है। सुल्तानपुर? सुल्तानपुर कौन सा है? मतलब यूपी। यूपी, यूपी। वो तब तो फिर घर साइड जाना है ना। हाँ, ये वाला रोड है अपना? ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, ये बाद में कुछ दिन बाद आइएगा ना। अच्छा अच्छा, तो यही वाला रोड जो है आपका बिहार शरीफ सरमेहरा फतुहा सारा जगह जाएगा, लेकिन अभी ये चालू अच्छे से किया है। तो भाई काफी दिन बाद यानी ट्रक में लग रहा है, बचपन में बैठे थे और शौक भी था कि थोड़ा ट्रक पर सफर करें, तो आज फाइनली ये दिन जो है अपने को मिला है, यानी नसीब हुआ है। ये जो ट्रक है ये है अपना सीएनजी वाला, यहाँ पर देखिए सीएनजी का स्टिकर लगा हुआ है। और आपको लेग रूम ये सारा चीज दिखा देते, तो इतना सारा यहाँ पर अपने को लेग रूम मिल रहा है। और मेरे हाइट का जो है भाई उसका यहाँ पर देखिये तो सर जो है एकदम टच सा हो जा रहा है, बस इतना सा जगह रह रहा है, यानी समझिए तो टच ही हो जा रहा है। खाली सीएनजी? ओनली सीएनजी? तब तो बहुत दिक्कत होता होगा। नहीं नहीं, हर एक पेट्रोल पंप पे तुम्हें सीएनजी मिलती है। अच्छा, अभी बेटा में आपके सीएनजी थी तो भरवा लिया आपने? हाँ। अच्छा, तो सीएनजी में कितना माइलेज दे देता होगा? सीएनजी में 10 का माइलेज दे रही गाड़ी। सीएनजी में 10 का माइलेज दे रहा है। और ये ऊंचाई पर बैठ करके सारा गाड़ी, चाहे कोई भी एसयूवी आ जाए, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो, सब जो है नीचा नीचा लगता है। और देखिये ब्रेकर है, ब्रेकर पर झटका, हाँ ठीक ठाक है, ज्यादा झटका नहीं देता। कितना बताया माइलेज? माइलेज 10 का दे देता है। अगर यही अगर डीजल रहता तो कितना देता? डीजल कम देता। कम देता है ना, सीएनजी ज्यादा माइलेज देती है। अच्छा, तो जैसे आप वहाँ से भाड़ा लेके आए, चलिए वहाँ से तो मिल गया आपका लोकल एरिया, फिर आपको कैसे मालूम चला गया हाजीपुर से? यहाँ से मेरा कॉन्ट्रेक्टर, मतलब कि कोई मेरा वो है जिससे मैं बात करता हूं, एजेंट टाइप का, एजेंट है इधर मेरा, एजेंट अपना कमीशन लेता होगा बीच में? कमीशन लेता है। आजकल तो ऐसे ऑनलाइन वाला भी चला हुआ है ना, ये निकाल लीजिए भाड़ा चाहिए तो भाड़ा सही नहीं मिलता है ना, भाड़ा सही नहीं मिलता होगा, तो अपना खुद ही का ज्यादा सही रहता है। यूपी का रोड ज्यादा अच्छा है कि बिहार में आपको? बिहार का लग रहा है। बिहार का रोड एक नंबर है। बिहार का रोड अच्छा है बताइए। और हम लोग को लगता है कि यूपी में एक से एक हाईवे बन रहा है, क्योंकि हम भी गए थे यमुना एक्सप्रेस वे, तो वहाँ अभी वहाँ बनना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, वहाँ बनना स्टार्ट हुआ है, यानी योगी जी से ज्यादा काम अपने नीतीश कुमार कर रहे हैं। वही बात है। रोड के मामले में आपका बिहार भी बढ़िया है और यूपी भी बढ़िया हो गया है। बढ़िया, हाँ, रोड के मामले में बढ़िया काम हुआ है। ये आपका जो है सीट तो भाई ऊपर नीचे भी होता है? हाँ, सीट ऊपर नीचे है कि ना? हम लोग मेरा तो जो बैठने वाला है इस पे पैसे, मतलब आप खलासी लेकर क्यों नहीं चल रहे? खलासी भाई पैसा नहीं बचेगा, पैसे की लोड है। अच्छा, पैसे की वजह से उसमें क्या है, मतलब वो तो लगता है गाड़ी का मालिक ना? नहीं नहीं, मालिक नहीं देता है ना, ड्राइवर को ही देना पड़ता है। ड्राइवर को ही देना पड़ता है खलासी का। कितना खलासी अगर रहता तो कितना लेता होगा? 5,000 रुपये। 5,000? और इनका वैसा कोई ज्यादा बड़ा वाला नहीं है, वो जो होता है ना पैक वाला गाड़ी, यानी 24 फीट डल्ला जो पैक रहता है वही वाला गाड़ी है।
तो उतना ज्यादा मतलब दो आदमी का खैर ज्यादा जरूरत लगता भी नहीं होगा और उतना ज्यादा इसमें वजन जाता भी नहीं है। 4 टन 5 टन से ज्यादा माल नहीं जाता है। हाँ वही, क्योंकि इसमें उतना क्या सामान लेके जाएगा पैक वाला में, अमेजोन फ्लिपकार्ट सबका कुरियर उरियर का सामान रहता है। हम लोग पुलिया पार करते हुए और फोर व्हीलर वाले घुसा देते हैं, जब ट्रक के ऊपर बैठिएगा ना तो मालूम चलेगा भाई कि कितना टफ होता है एक ट्रक चलाना, क्योंकि लोग जो है जैसे तैसे, जैसे वहां पर देखिए वो ओवरटेक कर रहा है वैगनार वाला, भाई को लेना पड़ेगा ब्रेक, छोटा गाड़ी रहता तो सीधे निकाल देते ये भी। तो जब भी आप लोगों से निवेदन है आप बाइक पर चले या फिर कार पर चले तो भाई आराम से चले। सबसे ज्यादा कौन तकलीफ देता है, बाइक वाला या बाइक वाले? फोर व्हीलर वाले बहुत तकलीफ देते हैं। चलो काम चलता है फोर व्हीलर वालों का, लेकिन बाइक वाले सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। बाइक वाले से क्या जैसे दिक्कत क्या हो जाता है, ये सामने आ जाते हैं हॉर्न मारने पे सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, और ओवरटेक भी करते हैं ना जगह, और उतना छोटा छोटी छोटी जगह में ओवरटेक मारते हैं तो भाई इसी वजह से ज्यादा बाइक वाला का एक्सीडेंट भी होता है ज्यादातर देखो, और इससे भाई चांस रहता नहीं है अपना, समझे, इसीलिए अच्छे से चलाए कीजिए आप लोग। बड़ी गाड़ी वाले हमेशा चाहते हैं चींटी ना मरने पाए। हाँ वो तो है, कोई भी क्यों चाहेगा, किसी का किसी से दुश्मनी थोड़ी है। ये खाना पीना का क्या हिसाब है आप लोग का? खाना पीना आपके यहाँ सस्ता है? अच्छा, यहाँ बिहार में सस्ता है खाना पीना। हाँ। बिहार का क्या खाना अच्छा लग रहा है ज्यादा? लिट्टी। लिट्टी हमें लिट्टी अच्छी लगी। लिट्टी अच्छे लगे भाई को। खाना पीना खुद नहीं बनाते हैं? होटल पे खुद से बनाना ज्यादा मतलब दिक्कत तो लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग को तो देखते हैं खुद से ही बनाते हैं। मैं कभी नहीं, जब से मैं सीखा हूँ गाड़ी लाइन तब से मैं खाना बना के नहीं होटल पे खा लेता हूँ। कितने साल से आप गाड़ी चला रहे हो? हो गया 3 साल। सीखे थे कौन सी गाड़ी से? सीखे थे बड़ी गाड़ी से। बड़ी गाड़ी से? टेलर। अच्छा टेलर से, तो डायरेक्ट तभी उसके लिए तो उसके सामने ये गाड़ी छोटा लगता है, छोटा लगता है। और ये देखिए अपना भाई कॉलेज आ गया है, यही है अपना मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज जो आपको इस जगह दिख रहा होगा, इसमें तो हिलता भी है ज्यादा, वो आप देखिए सामने अब दिख रहा होगा है ना, वही है अपना मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ से हम लोग भाई पढ़ कर निकले, यही अपना कॉलेज है समझे भाई, यही से। हाँ ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। अच्छा इसमें एसी वैसी नहीं है, ये नॉर्मल एसी है या पंखा है? ना ये कूलर है, इसमें थोड़ी वैसा ठंडा हवा वाला नहीं होगा? नहीं ठंडा हवा। एसी नहीं है वो, मतलब ब्लोअर जो होता है ना, पंखा नॉर्मल का है तो पंखा है इसमें है ना। और कुछ कुछ चीज बताइए, जैसे कि टोटल कितना गियर है इसमें आपको मिल रहा है? इसमें 5 गियर मिल रहा है। 5 गियर, और गियर में वाइब्रेशन देखिए कितना ज्यादा है, रिवर्स आगे करके है, इस साइड करके आगे। अच्छा और ये किस चीज का है? ये हैंड ब्रेक है। अच्छा ये हैंड ब्रेक है, कार में इस तरीके का गाड़ी खड़ी होने पे इसको गिरा देना चाहिए, इससे अपना रुका रहेगा ढुलाव अपना, जो अपना गाड़ी रुका रहेगा। थोड़ा सा इधर आते हैं देखते हैं मीटर इन सब में, ये तो आरपीएम मीटर हो गया 40 तक का है, यानी 4000 आरपीएम तक। इंजन हिट वाला इस जगह मिल रहा है, और वो है स्पीडोमीटर 140 किलोमीटर तक टॉप स्पीड। और फ्यूल तो फुल आप नहीं करवाएं, सीएनजी फुल नहीं करवाएं अभी? नहीं। अच्छा फिर उधर करवाइएगा पटना में? ओ अरे स्टीयरिंग व्हील देखिए बड़ा सा एकदम। भाई ने सीट बेल्ट शुरू से लगाया हुआ है, और अब हम भी जो है सीट बेल्ट लगा लिए हैं, क्योंकि पटना शहर इन कर रहे हैं, और बहुत दूसरे तरह का लगता है मतलब बैठने पर इतना ऊंचा पर गाड़ी, अब तो हिलता अलग है बहुत ज़्यादा, यानी हिलता है और लगता है कितने ऊंचे पर जैसे बैठे हो, और ऐसे ऐसे करके झटका लेता है जब आगे बढ़ता है तो। और ये दानापुर स्टेशन का नज़ारा कुछ इस तरीके का, और यहाँ से हम लोग भाई सीधे चढ़ जाएंगे ब्रिज, हालांकि ट्रैक्टर के आप पीछे रखिए तो देखते जाइए ट्रैक्टर कहाँ खींच रहा है। अरे क्या कर रहे हो भाई, घुसाए जा रहे हो इतने बड़े गाड़ी के सामने भी, बताओ। तो ये देखिए फुलवाड़ी का है थाना गोलंबर, अपने फैज भाई का जो घर है वो इसी साइड में है, और आजम भाई का जूस उसका दुकान है वो इस जगह है अपने, उनका जूस कॉर्नर है, लगे यहाँ से तो दिखेगा नहीं। हाँ इधर है, खाए है ना। और ये फुलवाड़ी अब हम लोग क्रॉस करते हुए। अच्छा तो भाई आप लोग का सोने वोने का क्या हिसाब है, कैसे सोते हैं? सोने का भाई बस यही अपना इतना में, यही अपना बिस्तर है, इतना ही में सो जाते हैं। और ऐसे ढाबा वाबा किनारे होटल वोटल में? नहीं वहाँ नहीं, हम अगर ढाबा पे रुकते भी हैं तो खाना खाने के लिए रुकते हैं, खाना खा के फिर अपनी गाड़ी में आके सोते हैं। काहे को ऐसा, मतलब वहाँ तो ज्यादा आराम मिलेगा ना? आरामदायक तो है लेकिन अपनी गाड़ी की सेफ्टी भी तो चाहिए, जैसे गाड़ी में माल लोड है तब, ऐसे गाड़ी में माल लोड नहीं है तो भी नहीं सोते, फिर भी अपनी गाड़ी में ही सोते हैं।
कोई गाड़ी में बैठ करके या तोड़ तार के अपना गाड़ी ले जाने, गाड़ी चोरी का सर जीपीएस ये सारा चीज लगा हुआ है कि नहीं? जीपीएस लगा हुआ है लेकिन अपने गाड़ी में ज्यादा आरामदायक मुझे मिलता है। अच्छा, रात में मच्छर वच्छर? मच्छर के लिए मोर्टिन रखे हैं ना। अच्छा, मोर्टिन जलाते हैं। और ये किस चीज का बटन है, रेड वाला? ये किसी की कोई इमरजेंसी हो, वो जैसे जीपीआरएस लगा हुआ है ना, जीपीआरएस से अटैच है। अच्छा, वो मतलब आपको जब लगा कि हमको जरूरत है हेल्प का तो आपने मतलब उसे दबा देना है, मालिक के पास पता चल जाएगा। तो जी ये अपना सीधे चला जाएगा अपने बाढ़ बख्तियारपुर की तरफ, और ये जो रास्ता है ये चला जाएगा हाजीपुर की तरफ, ठीक ना? और भैया गाड़ी थोड़ा साइड करके ना तो लगा लीजिए, हम यहीं उतरेंगे। और बताएं आपको ये वाला जो सीट है ना, ये उतना ज़्यादा यानी कंफर्टेबल टाइप का नहीं है, क्योंकि इसमें बैठने में ना परेशानी जैसा हो रहा है। वैसा सीट रहता है इस साइड तो ज़्यादा आराम होता है, ये बैठने में अकड़ गया इतना ही से दूर। तो अब भाई अपना निकल जाएंगे सीधे भाई हाजीपुर। हाजीपुर, ठीक है अरमान भाई, सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए और आपसे मिलते हैं फिर व्हाट्सएप पे, हम आपको मैसेज देते हैं और कॉल करते हैं, ठीक ना? अपना यहीं तक का सफर था, यहाँ से डायरेक्ट हम उतर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है भाई, सलाम वालेकुम। तो चलिए भाई यही जर्नी था अपना इस ट्रक में, इस तरीके का कुछ ट्रक था बड़ा सा साइज का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, केयर करें, जा रहे हैं कुछ काम कर लेते हैं, स्कॉर्पियो की वीडियो शूट कर लेते हैं।